हमारे YouTube चैनल में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम जिस वनस्पति का आपसे परिचय करवाने जा रहे हैं उसका नाम है गोखरू। इसे गोखरू भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसे लैंड कैलट्रॉप्स कहते हैं और लैटिन में इसका नाम है ट्राइबुलस टेरिटस। गोखरू वर्षा ऋतु में जमीन पर फैलकर बढ़ने वाला शाखा प्रशाखा युक्त पौधा होता है। इसके तने 1.5 मीटर लंबे और जमीन पर फैले हुए होते हैं। शाखाओं के नए भाग मुलायम होते हैं। पत्ते चने के पत्तों के समान परंतु आकार में कुछ बड़े होते हैं। इसके फूल पीले छोटे चक्राकार कांटों से युक्त चमकीले और लगभग 0.7 से 2 सेंटीमीटर व्यास या डायमीटर के होते हैं। इसके फल छोटे गोल चपटे 5 कोण वाले 2 से 6 कंटक युक्त और अनेक बीजी होते हैं। इसकी जड़ मुलायम रेशेदार 10 से 15 सेंटीमीटर लंबी हल्के भूरे रंग की और थोड़ी सुगंधित होती है। गोखरू एक ऐसी जड़ी बूटी है जो सदियों से मानव के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हुई है। ये वात पित्त और कफ तीनों को नियंत्रित करने में सहायता करती है। गोखरू के फल पत्ते तना और जड़ को आयुर्वेद में औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। गोखरू वात पित्त कफ सूजन नाक कान से खून बहना रक्त पित्त आदि से राहत दिलाने वाला और मूत्राशय संबंधी रोगों में लाभकारी होता है।